इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक दम बिरयानी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, या आप यूँ कह लो ये बिरयानी की बहुत बेसिक रेसिपी है। तो जिनको भी लगता है बिरयानी बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है, वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन में करीब 1 लीटर पानी लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे बासमती बिरयानी राइस ले रही हूँ, जो मैंने पानी में सोख करके करीब आधे घंटे रखे थे। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक आप ज़्यादा ना लें, क्योंकि बाद में हमें मसाले में भी नमक ऐड करने हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों तेल का इस्तेमाल ना करें। तो अब हम चावल को पकने देते हैं। आप चावल पकाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमें चावल ज़्यादा नहीं पकाने हैं, सिर्फ 70-75% तक ही पकाने हैं, क्योंकि हमें बिरयानी में दम भी लगाना है। तो देखिए हमारा ये चावल अब जो है वो 75% बॉयल हो चुका है। तो अब हम इसे छान लेते हैं और अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, जिसे मैंने हीट कर लिया है, और अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें प्याज को फ्राई करने के लिए ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है। बस यही एक स्टेप है जिसमें आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। प्याज फ्राई करते वक्त थोड़ा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करें और चलाते रहें लगातार। तो जब तक कि हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, तब तक हम एग्स फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल ऐड कर लिया है, अब इसे हीट होने देंगे। तब तक मैं एग्स को फॉर्क की मदद से छेद कर लेती हूँ, ताकि जब मैं एग्स पे इस एग को ऑयल पे फ्राई करूँ तो ये ऑयल के छींटे ना आए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। अब मैं ऐड कर रही हूँ एग्स को, और एग्स को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, सिर्फ 1 मिनट में ही हमारा एग्स जो है वो फ्राई हो जाता है। तो आप इसे ज़्यादा फ्राई ना करें, 1 मिनट में ये अच्छे तरीके से इस पर कलर आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारा एग जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है और अच्छे से इस पर कलर आ चुके हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। ये देखिए अब जो हमारा प्याज है वो अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो चुका है। आप इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई ना करें, अदरवाइज अगर ये जल जाता है तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल इसका टेस्ट जो है वो बिगड़ जाएगा। तो आप इस स्टेज पर आकर आप प्याज को निकाल लें, और इस पे हम कढ़ाई में थोड़ा सा प्याज हम रहने देते हैं। और अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खड़े मसाले ले रही हूँ, जिसमें छोटी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी लिया है मैंने। और अब मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर आप ज़्यादा ना लें, टमाटर आप सिर्फ एक ही लें, क्योंकि बाद में हमें मसालों में दही भी डालनी है, तो इससे वो ये बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। तो इसे 2-3 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम में इसे पकाएं। और अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाला है। इसे अच्छी तरीके से मिला लें। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी दही। दही ऐड करते समय आप इस बात का ध्यान रखें जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए, नहीं तो हमारी जो दही है वो फट जाएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा कढ़ाई आपकी हीट हो चुकी है तो आप फ्लेम को बंद कर लें, उसके बाद दही डालें, और फिर वो थोड़ा सा चलाने के बाद उसे फिर से आप गैस को ऑन कर लें। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे मिला लेंगे, और इस तरीके से जो है 3-4 मिनट हम इसे चलाएंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला। मैंने यहाँ पे कैच का बिरयानी मसाला लिया है, आप चाहे तो आप अपने
अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो बिरयानी मसाला। इसे मिला देंगे अच्छे से। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसे मैं अच्छी तरह से मिला दूँगी। और ये देखिए, अब हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब मैं इसमें सारे एग्स को ऐड करूँगी। और इसे अच्छे तरीके से इसमें मिला लूँगी। तो ये देखिए, जो मसाले हैं एग्स में अच्छे तरीके से मिल चुके हैं। इस स्टेज पर आकर हम आधे एग्स और मसालों को हम निकाल लेंगे। और थोड़ा सा मसाले और एग्स हमारे जो हैं वो हम कढ़ाई पर ही छोड़ देंगे। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और चलते हैं बिरयानी की लेयरिंग पर। तो मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल। चावल आप इसे इसमें इस तरीके से स्प्रेड कर लें। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राइड अनियन, धनिया की पत्ती। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी पुदीने की पत्ती। पुदीने की पत्ती मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि मुझे बिरयानी में पुदीने की पत्ती बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको पुदीने की पत्ती ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम यूज़ करें। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फूड कलर। तो अब हम सेकंड लेयरिंग करेंगे। बिल्कुल सारे प्रोसेस को हम उसी तरीके से रिपीट करेंगे। ये हमने डाले मसाले, फिर ये हमने डाला राइस। अच्छे तरीके से इसे फैला लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस, धनिया पत्ती, मिंट लीव्स, फूड कलर। और अब हम इसे 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसे दम लगाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो आइए अब हम अपनी बिरयानी को देखते हैं। ये देखिए, हमारी जो बिरयानी है वो बिल्कुल, इसके दाने सारे अलग अलग और बिल्कुल खिले खिले हुए हैं, आप देख सकते हो। जस्ट वाओ। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ये दिखने में जितना लजीज लग रहा है, ये खाने में उससे कई ज़्यादा लजीज है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।